शुरुआत कर रहे हैं और एक कोचिंग सेंटर का शुरुआत किया जा रहा है। और कोचिंग सेंटर छोटे बच्चों के लिए है, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है जो कि गरीब तबके के हैं, उनके लिए व्यवस्था है। और जो सिलाई सीख रही हैं वो भी पिछले परिवार से हैं, उनके लिए सिलाई इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि वो लोग आगे बढ़े और सिलाई सीख के अपने को रोजगार की तरफ अग्रसर करें। माननीय राम खलावन बिंद जी हैं जो भाजपा के बड़े नेता हैं और इन्हीं के कर कमलों से आज का कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि प्रधान जी नेताजी का थोड़ा सा आप माल्यार्पण करके स्वागत करिए। स्वागत के कड़ी में हम चाह रहे हैं कि राकेश बिंद जी का पुनवासी जी माल्यार्पण का स्वागत करें। आइए माला पहना। अंजू पटेल जी आप ही स्वागत करते हैं। ये ज्योति जी आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, चाहे सिलाई हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे कोचिंग का माल्यार्पण का स्वागत किया जाए। बच्चों ताली बजाइएगा। नमस्कार, यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों बहनों, चाचा ताऊ, जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से एक दूसरे के जात बिरादरी को अगर भूला जाए तो सगे संबंधी लगते ही हैं समाज में रहने के नाते। आज दिन रविवार दिनांक 24 जुलाई 2022 का दिन है। हम लोग यहाँ सब पर उपस्थित हुए हैं, सभी लोग खरगीपुर में ग्राम प्रधान गुड्डी देवी जी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें एक संस्था है जन कल्याण मजदूर सेवा समिति, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके अशोक कुमार वर्मा जी। और आज यहाँ पर हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, मंच जो हम लोगों के लिए बनाया गया है उसमें सिलाई सेंटर और कोचिंग सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है। और जिनका उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया वो माननीय श्री राम खिलावन बिंद जी के कर कमलों के माध्यम से इसका हम लोग ने फीता काट के शुभारंभ किया है अपने इस गाँव के महिलाओं के लिए कार्यक्रम का। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएँ जो घर में रहती हैं और गाँव में रहती हैं, वो हम लोग शहर की महिलाओं से ज़्यादा चाहती है घर की समस्याओं में सहभागिता देना। ऐसा नहीं कि शहर की महिलाएं अगर कमाती हैं तो गांव की महिलाएं काम नहीं करती हैं उनके मुकाबले या कमाना नहीं चाहती हैं। उनकी समस्या ये है कि उन्हें चीज़ों की जानकारी नहीं होती। अगर वो चाहें भी घर में रह के हमारी बहनें कि हम कुछ कर लें, तो उनको समाज में जिन समस्याओं का शहर की महिलाओं को सामना करना पड़ता है उससे कहीं अधिक उनको गाँव का होने के नाते सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप यदि गाँव से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपके अधिकार हैं, जो समाज में जिस कार्य का चलन है उसकी जानकारी आपको थोड़ी कम होती है। तो हम लोगों ने इस अशोक सर के संस्था के माध्यम से हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना गांव की महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने सिलाई सेंटर के यहाँ पे संचालन के लिए आरंभ किया और कोचिंग सेंटर। सिलाई सेंटर से ये होगा
कि कम से कम आप घर में रह करके अपना एक छोटा सा बुटीक चला सकेंगी, सिलाई सेंटर खोल सकेंगी, आप आपस में दूसरों को सिखा सकेंगी, ताकि जिन माँ बेटी बहनें दूसरी जगह शादी होगी, आपकी बेटी को आता रहेगा, यदि वो वहाँ अपने ससुराल में भी जा करके कुछ सीखना चलाना चाहेगी तो उसको ये नहीं लगेगा कि वो धन नहीं कमा सकती है, उससे उसका परिवार, उसका आने वाला पीढ़ी, वो भी बहुत सुखी और संपन्न होंगे। तो यदि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मेरा ये मानना है कि आप बहनें अशोक सर का सहयोग करें उनके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, इससे आपका भी कल्याण होगा और उनको भी मनोबल मिलेगा कि गांव की महिलाएं जितना अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करेंगी, इसमें सहयोग देंगी अपना जुड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, उससे दोनों लोगों का लाभ होगा। हम लोगों का मनोबल इस तरीके से बढ़ेगा कि गांव की महिलाएं जुड़ रहे हैं तो हम और आपके गांव में कुछ नई योजनाएं होंगी सरकार का, उसको भी लेकर के आएंगे। यदि और दूसरे गांव में आपके बगल में होगा, आप उनका उदाहरण बनेंगे अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप बहनें जो आपको दिक्कतें हों, समस्याएं, वो हम लोगों से शेयर करें, हम लोगों को बताएं, और आप इसमें यदि आपका भी कोई राय हो आप उसको भी हम लोगों से पूछ सकती हैं, बता सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर से आए, आपके यहाँ एक दिन कार्यक्रम किए हैं और आपको खुद बहुत अजीब सा लगे, आप सर का नंबर ले सकती हैं, संपर्क ले सकती हैं, ताकि आपको कोई भी तरह की समस्या हो सीखने में, कोई चीज पूछने में, तो आगे भी आप हम लोगों से संपर्क में रहें। दूर सेवा समिति कन्यादान व युवा रोजगार योजना है, जिसमें कि जन कल्याण मजदूर सेवा समिति के सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें बेटी के लिए कन्यादान योजना और बेटों के लिए युवा स्वरोजगार योजना है। इसके अंतर्गत यदि आप 5 वर्ष तक 1,000 रुपये जमा करते हैं तो संस्था आपको 51,000 रुपये का चेक आपकी बिटिया की शादी के समय देगी, और अथवा यदि आप युवा रोजगार योजना में 1,000 रुपये अगले 5 वर्षों तक जमा करते हैं तो आपको संस्था 51,000 रुपये का चेक देगी, 21 वर्ष आपके पुत्र के पूरे होने पर 50,000 रुपये का चेक देगी आपके पुत्र के 21 वर्ष के पूरे होने पर। इस योजना का लाभ पैदा हुए बच्चे से लेकर के 13 वर्ष के बच्चों के लिए उपरोक्त राशि संस्था के खाता में जमा करना अनिवार्य है। आपको खाता का संख्या बता दिया जाएगा, नंबर बता दिया जाएगा, इससे आप ही को लाभ होगा। यदि मान लीजिए आपके घर में कोई बेटी हुई तो आप उसको कन्यादान योजना यानी उसका विवाह करना ही चाहेंगे, तो संस्था आपको, यदि आप संस्था को 5 वर्षों तक 1,000 रुपये जमा करते हैं, अनुदान देते हैं, तो संस्था आपको 51,000 रुपये का चेक देती है। यदि आप उसको शादी का कार्ड वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा आपके पुत्री की शादी के उम्र के योग्य होने पर। तो इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं आगे अशोक सर लेकर के आएंगे। मैं चाहती हूँ मैं अपनी वाणी को विराम दूं और आप अशोक सर आपको संबोधित करेंगे। रोजगार योजना और लड़कियों के लिए कन्यादान योजना, इस योजना के अंतर्गत यदि कोई 0 से 13 साल की बच्ची है जो हमारे संस्था के खाते में 1,000 रुपया डोनेशन करेगा तो उसको 51,000 का चेक उसको मिल जाएगा, मगर उसको नियम और शर्त यह है कि उसको 5 साल तक 1,000 रुपया जमा करना है, हर वर्ष 1,000 रुपया। उनको 51,000 रुपया का चेक मिल जाएगा, वो चेक उनको शादी के टाइम पर क्लियर हो जाएगा। जैसे ही शादी का डेट पड़ेगा वो शादी कार्ड छपवाएंगे, शादी कार्ड ऑफिस में लेकर आएंगे, उनको 51,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसी तरह से बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए अभी आप देख लीजिए, सरकार भी नहीं सोचती है, लोग भी नहीं सोचते हैं, लेकिन हमारी संस्था एक प्लान है जिसका, जिसमें युवा रोजगार बच्चों के लिए, कोई लड़का अगर 0 से 13 साल के बीच में है वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद उसके पास मात्र एक ही उद्देश्य रह जाता है, उसमें पैसे नहीं होते हैं, वो क्या करता है, लेबर ही करता है, लेबर वर्क करता है। ये बात सही है कि नहीं? सही बात है ना। तो अगर के उस लड़के के हाथ में, जैसे वो बीए करके खाली हुआ या 21 साल का हुआ, उसके हाथ में 50,000 रुपये रहेगा तो वो तो बहुत से काम कर सकता है। इसीलिए ये योजना है कि 5,000 रुपये अगर आप अपने से बचाते हैं वो भी संस्था में, तो 5,000 आपका और 45,000 संस्था डोनेशन आपको देकर 50,000 रुपये आपको कैश दे देगी, ताकि आप उस पैसे से अपना रोजगार, धंधा, बिजनेस, आगे पढ़ाई जो भी करना है वो कर सकते हैं। और इसको हम गांव गांव में जा जाके प्रचारित कर रहे हैं और लोगों को अपने से जोड़ना चाह रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको मेरा सदस्य बनना पड़ेगा, 100 रुपया देके संस्था में सदस्य बनेंगे, वो भी संस्था खाते में जमा करना होगा, या तो हमारे जो मेंबर जाएंगे उनको पैसा देंगे, वो उसका रसीद आपको दे देंगे पैसा जमा कर, तब जाके आगे वाले योजना का आप लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जन कल्याण मजदूर सेवा समिति के अध्यक्ष बड़े भाई अशोक वर्मा जी और
इस कार्यक्रम को रूपरेखा में पूर्ण रूप से मदद करने के लिए इस खरगीपुर के प्रधान पति राजकुमार बनवासी जी तथा आज जो सिलाई सेंटर का उद्घाटन हो रहा है उसकी टीचर अंजू पटेल जी, कोचिंग सेंटर की टीचर नीलम निजात जी, मीडिया प्रभारी बहन ज्योति केसरी जी, सहयोगी राम मुहूर्त जी, राजेश मौर्या जी, धनंजय जी, विनोद जी एवं राधिका जी तथा तमाम गांव की महिलाएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे तथा सबसे दूर से आए हमारे भाई आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के मंत्री रामखेलावन, माननीय रामखेलावन बिन जी। मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से इस खरगीपुर की धरती पर नंदन वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, बहुत प्रसन्नता हुई यह जानकर कि आज इस छोटे से गांव में एक ही दिन दो दो सेंटरों का उद्घाटन करने के लिए हम लोगों को ही बुलाया गया। साथियों, देखने को तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन अभी आपने बताया कि जिसकी शादी हुई है या जिसकी शादी नहीं हुई है, दोनों लोग अगर सिलाई सीख लेते हैं तो घर बैठे या तो सिलाई सिखा करके या तो कपड़े को सिल करके 10 रुपए का इनकम करके अपने घर का रोजगार चला सकते हैं। कोचिंग के बारे में भी अभी बताया गया कि 1 से 5 तक के बच्चों को कोचिंग पढ़ाया जाएगा। अब उसमें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है पांचों बच्चों को बराबर। तालियां बजा करके जोरदार स्वागत करिए और सब लोग का एक ग्रुप फोटो खींच लीजिए। चलो वहाँ आ गया।